Guys, another lovely day. Weather's been so good. Look, yahan par dulul, yahan par hai browno. Brownie hai yahan par. मैंने उसका काम का बात कर रहा है. आज पाइप का काम है तो मुझे दिन भर दुकान में बैठना पड़ेगा. इनको पता नहीं. जूता लगा लिया आज मैंने. चलो गाइस, आई गॉट अ मैट फॉर माय सेल्फ. लेट्स सी कैसा है. इतना रिव्यू भी नहीं था, फिर भी आई बॉट इट. आई होप दिस इज़ नाइस. दिस इज़ फॉर माई स्टूडियो रूम. जूट का है ये. इतना रिव्यू भी कुछ दिखाया तो नहीं था. अच्छा ही होगा शायद बोल के मंगा तो लिया है. प्री होपफुल दिस इज गोइंग टू बी नाइस. पैकेजिंग इज क्वाइट टाइट. पाइप का भी काम चल रहा है, वेल का भी काम चल रहा है. घर में भी काम करने के लिए कारपेंटर वगैरह है तो ओह माय गॉड फोन ना गिर जाए. इज क्वाइट ऑक्यूपाइड. दुकान छोड़ के तो नहीं जा पाऊंगी, बाद में जा जाऊंगी. बस मेरा मैट सारा फोल्ड हो गया है यार. मैंने बड़ा सा मंगाया है, पता नहीं कितना बड़ा होगा. लग तो रहा है कि इतना फिट हो जाएगा, पर अगर नहीं हुआ तो मैं थोड़ा और ज़्यादा बड़ा मंगाऊंगी. बिकॉज आई वांट अ बिग वन, प्रीटी बिग वन, ठीक ठाक, जहाँ पर मेरा मिरर अच्छे से मतलब होता है ना, बैठ जाए. फाइनली ओह माय गॉड, ये तो वो होता है ना, टू आवर्स लेटर. ऐसा होता नहीं, ऐसा ही हो गया. सांस निकल गया है खोलते खोलते. ब्रो इट्स प्रीटी बिग. आई कैन ओह माय गॉड इट इज बिग जस्ट लाइक आई वांटेड. इनफैक्ट मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा बड़ा भी है. देखिए दिख रहा है क्या. क्वालिटी इज ऑल्सो गुड. नॉर्मल जूट खरीदना था, पर नॉर्मल जूट इज सो कॉमन राइट नाउ, सो आई थॉट ये वाइट वाइट वाला. मैंने इतना देखा नहीं है किसी का जूट. नॉर्मल वाला तो रहता है ना, इसे मेरा वो भी है इसे रखने का प्लेट वगैरह. तो आई थॉट लेट्स एक्सपेरिमेंट एंड बाई दिस ये वाइट वाइट मार्क वाला बोल के. आई प्रीटी मच लव्ड इट. इट्स नाइस एंड प्रीटी बिग. देखिए मैं तो छुप जाती हूँ एकदम से. प्रीटी बिग एंड नाइस. ये लगाने से कैसा रहेगा रूम. आई डोंट वांट टू सी इट, पर ऊपर जाना पड़ेगा इसलिए. तो मे बी आई कॉल मनीष इफ इज फ्री कैन कम. मैं चाहती कैसा दिखेगा, क्या दिखेगा. अभी यहीं पर था, कॉल किया, इस बिजी वो ऊपर जा रहा है तो ऑलमोस्ट लाइक 2-3 आवर्स उसको टच नहीं करना है. प्रीटी बिजी. मैंने बोला था ना बहुत चंद लोग हैं, लाइक कारपेंटर भी आया है, वेल का भी, पाइप का भी, सब काम हो रहा है. तो इस प्रीटी ऑक्यूपाइड. सो ये थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ेगा तुझे. तुझे नहीं, मुझे रुकना पड़ेगा. गाइज वॉचिंग माई ओन व्लॉग, बिकॉज कभी कभी टाइम ही नहीं मिलता है देखने के लिए कैसा बना है एडिट करने के बाद. एंड इतनी बादाम जो डैड ने लाया था मेरे लिए. दिस इज़ माई प्लेस. इट्स बिन सम टाइम. आई बिन योर आई थिंक ऑलमोस्ट अ वीक. होल टाइम आई एम आउटसाइड. पता नहीं मेरा पॉल्यूशन से क्या होगा, बट एवरी टाइम आई एम आउटसाइड बिकॉज ऑफ द सन. इतना बॉडी हीट होता है, अच्छा लगता है. सो या दिस प्लेस खुद को चिकन खा के देख. मेरा मुंह में पानी आ रहा है गाइस. चिकन खाना है वो मैंने जो बनाया था ना बावे की चिकन, वो देख. आ गया कहाँ घूम के, सुबह तो नहीं आया ये लोग. कहाँ से आए लड़के. ये भी गांव का मजा ले रहा है मेरे जैसा. वो जा रहा है, दोस्त मिल गया इसको, उसके पीछे जाएगा अब. मैंने देखो पानी के लिए दूसरा वेल देख किया है ना, तो उसके लिए पानी का पाइप लगाना बाकी है, तो वो वही कर रहा है आज. माने माने
एक्टिंग है ना, एक्टिंग वे ना, एक्टिंग बिंदा जो Voila guys, it is pretty cold inside. एक तो धूप मिले के तो और ठंड लग रहा है, बट अब मैं यहाँ पर बैठूँगी और वीडियो एडिट करना है मुझे. और टमोरो आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग फ्यू रील वीडियोज, सो आई हैव फ्यू प्रमोशंस टू बी डन. सो उसके लिए मुझे स्क्रिप्ट भी करना पड़ेगा बिकॉज अच्छा तो बनाना पड़ेगा वीडियो. And I don't know why did I suddenly started speaking like that. That was so weird of me. Anyways, now it's already 1:30. So ab main kuch karungi. Uske baad after maybe 15-20 minutes I'm going to go have my set. Main kahan nikli, mera moisturizer laga raha tha. Ye chori karne ke alawa kuch nahi karta hai. Ha dekhiye kitna dry hai. Main script kar rahi thi, isne mujhe bulaya hai zone chips karne ke liye. हाँ, आज तो करना ही पड़ेगा, कुछ भी करने के करना तो पड़ेगा. मैंने 200 रुपये खर्चा किया लास्ट टाइम, 600 रुपये आती है, 400. इस हम खा रहे हैं, थोड़ा पार्टी हो रहा है हम लोग का, चीज बॉल. एंड हम बोल रहे हैं कि इसको रामेन लाने के लिए, बनाने के लाने के लिए मैं पैसा दूंगी, पर ये मान नहीं रही है और आपको अकेले खाऊंगी. समझ आया? गाइस, मेरे बहन को रामेन बनाने के लिए भेजा था, वो कहाँ चली गई, इतना टाइम लगा रही है. 20 मिनट से ऊपर हो गई शायद, नहीं 15 मिनट से ऊपर हो गया है, 20 मिनट होने वाला है शायद. देखिए मैं उसका सर देख रही हूँ, वहाँ पर हिल भी नहीं रही है, क्या कर रही है. इतना टाइम लगा रही है लड़के. ये खाएगा तो मनीष डेड. गाइस हम दुकान में खा रहे हैं बिकॉज अभी टाइम नहीं ऊपर जाने का. अभी वो हो रहा है, ऑफलोड हो रहा है, क्या हो रहा है, स्टॉक आया है ना, इसीलिए ये रख देना. मैं घर जा रही है, बोल रही कि डर नहीं लग रहा है, मत आओ मत आओ. मम्मी ने अभी बोला फ्राइड राइस बनाया है, मुझे नहीं चाहती कि मैं फ्राइड राइस खाऊं. साली चंटू देखो गुस्सा, इसको नहीं, इसको नहीं चाहती है कि मैं फ्राइड राइस खाऊं, इसीलिए ये चंटू हो गया. हो गया तो जाओ, जाओ. नहीं मैं फ्राइड राइस थोड़ा खाऊंगी और फिर आऊंगी. ठीक है, घर पहुंचने वाले हैं गाइस. मेरा तो डिनर वही है, तो मेरा भी, मेरा भी वही. नहीं मेरा डिनर नहीं है, मैं कभी डिनर नहीं खाती, तो डिनर वही खाएंगे. हमारा भी स्टॉक अभी आया, यहाँ का भी अभी आया. देखिए अभी कितना टाइम हो गया आज, चल फोन कॉल. अभी तो 8:30 जितना हो गया होगा. हम लोग का भी ऑफलोड हो रहा है सामान अभी. देखिए बाप रे गाइस, गाइस मेरा सांस फूल रहा है, फूल रहा है. देखिए ये 30 ज़्यादा हो गया, हम लोग ने सब मिलाया है, ज़्यादा हो गया. फिर आए मनीष अपना काम करेगा, अब थोड़ा ज़्यादा हो गया है 30. देखिए ये छोटी हो गया, अभी यहाँ ले लगेगा 40 मिनट जितना. क्या हो गया? सब यहाँ पर साला, मैं खाऊंगी बोल के, जरूरत नहीं तो मैं भी खाऊंगी. फ्राइड क्या खाओगे? फ्राइड राइस देखते हैं क्या है, कैसा है. फ्राइड राइस मंगाया है, आधा आधा खाएंगे.
तो डिनर तो लाइट होता है ना गाइस, फ्राइड राइस थोड़ा सा चाय करने जैसा है। डैड का नया जैकेट देखिए, बोल रहा है 8,500 में खरीदा है। शक्ल देखो 8,000 खरीदने का लगता है, पर अच्छा दिख रहा है। मम्मी गाइस देखिए अभी तक हो रहा है काम, मैं जा रही हूँ। बाप रे इतना अंधेरा है, देखिए ना तो लग रहा है लाइट ही नहीं है।